हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने हैं वाले दो ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जो कि यहाँ पर काफी बेहतरीन नजर आते हैं। एज वेल एज यहाँ पर कोविड में अगर हम यहाँ पर देखें आपको दिखाना चाहता पर गिरता हुआ नजर आया है ओके और पिछले अगर हम पांच दिन की बात करें तो एक अच्छी खासी मैसिव गिरावट भी यहाँ पर नजर आती है तो एक्जेक्टली हमें करना क्या चाहिए उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे और ये मार्केट क्यों गिर रही है इसके गिरने का पीछे रीजन यही कि यहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ओमिरन uh, वेरियंट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है एंड इट इज मोर स्ट्रांगर देन द प्रीवियस वन तो अगर हम यहां पर देखे तो बहुत ज्यादा यहां पर घबराहट हो रही है लोगों के बीच में बट स्टिल मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहता हूं कि मार्केट जब लास्ट टाइम भी गिरी थी ना तो कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर इतनी गिरावट नहीं हुई और उतनी उससे ज्यादा ये रिकवर होते हुए दिखाई दिए थे तो यहाँ पर उन स्टॉक्स में पैसा लगाना एक फायदेमंद की चीजें हो सकती है तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं उन दो स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करूंगा बाकी उस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है आप खुद ढूंढना आपको, आपको पता चल जाएगा कौन से स्टॉक्स है तो अच्छा खासा पैसा वहां बनता हुआ नजर आ सकता है एज वेल एज आपके पैसे की सेफ्टी भी रहेगी तो वीडियो में आगे बढ़ते बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे बैंक की कोई रिकमेंडेशन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें दो वीडियो यहाँ पर आती रहती है डेली बेसिस पे यहां पर देखिए हमारे साथ स्टे टून रही है आफ्टर द मार्केट और डेली बेसिस पे हाँ यहाँ पर वीडियो आपको आफ्टर द मार्केट यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियल सर्विस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हैं आइए वीडियो की तरफ चलते हैं तो दो स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करूंगा क्यों करूंगा देखिये मार्केट गिरती हुई नजर आई है जैसे कि यूएस मार्केट दिखा दिए तो आपको और भी मार्केट यहाँ पर करेक्ट होती हुई दिखाई दे सकती है कल के दिन में जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो बट दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो यहाँ पर मैं आप बात करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी बन रही है और जब लास्ट यहाँ पर कोविड आया था अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो सबसे पहले यही सेक्टर था जो यहाँ पर रिकवर होता हुआ दिखाई दिया था तो यहाँ पर देखिए ये जब यहाँ पर कोविड आता हुआ दिखाई दिया था एक अच्छी घेस गिरावट अच्छी तो नहीं कहूंगा थोड़ी बहुत गिरावट हुई थी तेईस सौ रुपये से ये शेयर यहाँ पर अगर मैं आप पर बात करूं अठारह सौ रुपए तक ये आता हुआ दिखाई दिया था लगभग पांच पॉइंट से यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया था बट उसके बाद ही यहाँ पर अगर हम देखे अठारह रुपए वाला शेयर यहाँ पर ऑल टाइम हाई बनाता हुआ इसने दिखाया था अगर हम यहाँ पर देखे तो लगभग कितने रुपए ये 2700 तक जाता दिया था। तो इसी तरीके की यहा पर, क्यों? पर, पर, पर इनकी चीजें चलती रहेगी तो यहाँ पर जिस स्टॉक से रेटी बातें कर रहे हैं उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर और हिंदुस्तान यूनिलीवर के अलावा एक और स्टॉक से रेटी बातें करेंगे तो यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर मैं बात करूं एक तो लार्ज कैप कंपनी है ओके एफ एम सेक्टर में अगर बात करें यही एक बेस्ट सेक्टर नजर आता है आर ओ सी आर ओ ही काफी बेहतरीन थर्टी ट्वेंटी नाइन डेट फ्री कंपनी है कोई शेयर प्राइसियां अठाईसो उनसठ से तेईस सौ पैंतीस रुपए पे शेयर चल रहा है ऑलरेडी काफी यहाँ पर करेक्ट हो गया है मैक्सिमम पैटर्न की बात करें काफी बेहतरीन मैक्म चार्ट पैटर्न और टू हंड्रेड डीएमए के नीचे यहाँ पर ये स्टॉक चलता हुआ नजर आ रहा है इस बार की जो सेल्स थी वो हाईस्ट एबर है और कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर सी सी बढ़ रही है नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर हाइएस्ट एबर ही एक, एक कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट है इससे पहले यहाँ पर था वो पांच करोड़ ज्यादा था होगा बट स्टिल यहाँ पर कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस है तो इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए और अदर इनकम का भी फैक्टर है अदरवाइज यहाँ पर हाईएस्ट एवरी प्रॉफिट है कंपनी कंटिन्यूस बेस पे यहाँ पर अगर बात करें 2010 से लेकर अभी तक अच्छी खासी सेल्स हो रही है प्र, नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो हाईएस्ट एवर है तो यहाँ पर धीरे यहाँ पर चीजें ऐसी है कि आपका पैसा यहाँ पर डूबेगा नहीं यहाँ पर सेफ्टी ऑफ मार्जिन भी रहेगा यहाँ पर सेफ्टी ऑफ रिस्क रिवार्ड भी रहेगा रिजर्व्स की बात करें अच्छे खासे सैंतालीस हजार करोड़ के रिजर्व्स, कोई भी यहाँ पर अगर बात करें ग्यारह सौ उनतीस करोड़ की इस इस पर इन्होंने बॉरिंग ली है बट इसके अलावा इनके पास इतना पैसा है कि ये कभी भी चुका देंगे वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे हैं इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है कैश अच्छा खासा है कंपनी के पास और और इसके अलावा आर बढ़ती हुई नजर आ रही है जब भी पिन के पास यहाँ पर बात करें प्रमोटर्स की सिक्सटी की हिस्सेदारी है यहाँ पर जून दो में बढ़ाई थी इन्होंने सॉरी घटती हुई नजर आई थी बट उसके बाद एज इट इज बनी हुई है एफ आई की होल्डिंग की बात करें यहाँ पर एफ देखिए यहाँ पर डायरेक्ट अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं 14.95 से फिफ्टीन पॉइंट वन और फिफ्टी डीआईएस की बात करें डीआई यहां पर होल्डिंग थोड़ी सी यहां पर कम करी है पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास यहाँ पर ट्वेल्व पॉइंट की घटती हुई नजर आ रही है वाला ऐसे में आपको नहीं दिखेगा और बहुत रिकवर, जल्दी उसके बाद ये तो है ही है इसके बाद तीन तक भी ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे सकता है टू हंड्रेड डीएमए के नीचे चल है और बेहतरीन स्टॉक टू हंड्रेड डीएमए के नीचे चले तो मतलब यहाँ पर इन्वेस्ट करना है करोगे तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा ट्वेंटी तो, तो ऐसे सेक्टर में जाएंगे जहाँ पर लोगों को रिस्क ना दिखे यहाँ पर रिवॉर्ड दिखे क्योंकि ये चीजें तो यहाँ पर बेचनी है युन, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट आपके घर पर भी होंगे और ये प्रोडक्ट यहाँ पर सेल आउट होने तो इस शेयर की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं काफी बेहतरीन है काफी बेहतरीन नीचे के लेवल पर

कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोलगेट के एज वेल एज पाल्मोलिव के यहाँ पर प्रोडक्ट आते हुए दिखाई देते हैं और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है आप जब यहाँ पर आ, अगर टूथपेस्ट करते हैं तो यहाँ पर टूथपेस्ट नहीं बोलते आप कहते हैं कोलगेट तो यहाँ पर कोलगेट एक नाम हो गया जैसे आप कोई भी नूडल्स खाते हैं तो आप मैगी का नाम लेते हैं तो इसी तरीके से अगर हम बात करें ये एक ब्रांड है यहाँ पर सबसे ज्यादा सेल आउट होता है नाइन्टी टू सेवेंटी फाइव परसेंट का आरो सी ही लार्ज कैप कंपनी है और थर्टी सेवन का पी है e अठारह सौ तेईस है यहाँ पर चौदह सौ साठ रुपए पे ये शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है ऑलरेडी यहाँ पर और ज्यादा यहाँ पर गिर चुका है और ये इनके पास इतनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचने ही बिचने और इनका जो चार्ट पैटर्न है मैक्सिमम वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स है ये भी इसके अलावा हम बात करें कंपनी के यहाँ तो देखिए यहाँ पर अभी की भी जो सेल थी वो हाईएस्ट एवर सेल्स और प्रॉफिट की बात करें हाईएस्ट एवर प्रॉफिट था तो कंपनी इयरली क्वार्टरली बेस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा प्रॉफिट इनका कम होता हुआ दिखाई दिया बट नो नीड टू वरी कंपनी काफी बेहतरीन है कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ईयरली बेस की बात करें उन्नीस सौ बासठ से करोड़ से यहाँ पर पांच करोड़ की सेल्स हुई है पिछले बारह प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर थाउजेंड फाइव करोड़ का नेट प्रॉफिट है हर साल यहाँ पर इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है हर साल सेल्स बढ़ रही है, है, है।, है, है इन्वेस्टमेंट नाइन्टी करोड़ जो भी पैसा आता है इनके बुक में दिखाई देता है कैश की अच्छा खास है सेवन नाइन्टी वन करोड़ रुपीज का पैसे पैसा आता है बुक में दिखाई देता है मतलब जो भी प्रोडक्ट इनका सेल आउट होता है वहां से इनके प्रोडक्ट पैसे आते ही आते हैं की बात करें

तो यहाँ पर और औरल केयर में ये सबसे बेहतरीन यहां पर प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स देता हुआ नजर आता है ऑलरेडी ट्वेंटी डाउन हो चुका है 200 हंड्रेड डीएमए के नीचे आ चुका है यहीं पर ही कंपनी बार बार यहाँ पर सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है ऊपर के लेवल पर भी और नीचे के लेवल पर रेजिस्टेंस अच्छा खासा है थोड़ा बहुत गिरावट हुई तो कह नहीं सकता बट स्टिल यहाँ से अच्छा खासा नजर आ रहा है और यहां पर जो ये दिखा रहा है पॉजिटिविटी वो काफी बेहतरीन है यहाँ पर चार्ट पैटर्न यहाँ पर इस बार की कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनती हुई नजर आ रही है सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी में एफ

बेहतरीन स्टॉक्स है एफ एम सी डी है और यहाँ पर जब ये शेयर दूसरे शेयर गिरते हुए नजर आएंगे ये शेयर भागते हुए नजर आएंगे तो बैंक की कोई रिकमेंडेशन नहीं है फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी लास्ट लास्ट ही जब कोविड आया था था क्या हुआ था, वो मैंने आपके एग्जाम्पल दिया एज वेल एज इनकी बैलेंस शीट काफी बेहतरीन है इधर पैसे यहाँ पर डालते हुए नजर आ रहे तो मुझे यहां पर से यहाँ पर इन दो शेयरों पे अभी यहाँ पर भरोसा आता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अलावा और भी जो एफ सेक्टर्स के स्टॉक्स है उनकी तरफ भी यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना जितना हो सके सपोर्ट करना और जितना आप सपोर्ट करेंगे उतने हम बेहतरीन वीडियो आपको बनाते हुए नजर आएंगे एज वेल एज अगर आपको हमारे से हमसे कॉन्टेक्ट करना नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच ब्लेस